Consider the squares of an 8x8 chessboard filled with numbers 1 to 64 as shown in the figure. If we choose 8 squares with the property that there is one from each row and one from each column, find the sum of the 8 numbers thus chosen. Kya hamara sum unique aayega bhi? Or can I get unique answers? Pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. हमारे क्वेश्चन में वी आर गिवन अ चेसबोर्ड, राइट? 8x8 का एक स्टैंडर्ड चेसबोर्ड है जहां पे ईच स्क्वायर हैज अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग विद 64. एज देयर आर 8 रोज एंड 8 कॉलम्स, देयर इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वेट, राइट? इस फैक्ट को हम यूज करते हैं दैट देयर इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वेट. तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, जो भी सारे नंबर है फर्स्ट रो के अंदर, आई कैन एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज, जैसे 1 हो गया, 1 को आई कैन राइट एज 8 × 0 + 1. Similarly, 2 को I can write as 8 × 0 + 2. 3 को I can write as 8 × 0 + 3, and so on till the last number I can write as 8 × 0 + 8. अब second row पे आ जाते हैं. अब second row में every number I can write as 8 × 1 + something. ठीक है, so 9 I can write as 8 × 1 + 1. 10 will become 8 × 1 + 2, and so on till the last number will become 8 × 1 + 8. Or this exercise I can go on for the entire table. ठीक है, so this will become 8 × 3 + 1, and so on till the last column will become 8 × 7 + 1. Then it will become 8 × 7 + 2, and so on till the last number that will become 8 × 7 + 8. Now we are given that we need to select 8 numbers such that there is one from each row and one from each column, है ना? अब let's say पहले row में से मैंने कोई number लिया. Now जो भी number लिया होगा मैंने, I can express that number as 8 × 0 + a1, है ना? जहाँ पे a1 का value could be 1, 2, 3 से लेके 8 तक, right? a1 could be anything from 1 to 8. Similarly, second row में से जो number आएगा, that could be 8 × 1 + a2, next would be 8 × 2 + a3, and so on till the number from the last column, I can say that number is 8 × 7 + a8, right? Now we need to find the sum of all these numbers. ये 8 number का sum निकालना है अपने को. अब आप एक चीज समझो, let's say a1, right? Let's just say कि मैंने पहले row में से मान लो 3 लिया होता, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 जो है आपका वो 3 आ गया, राइट? ये आपका a1 आ गया, a1 इज 3. अब इसका मतलब ये हो गया कि अब आप इस कॉलम में से और कोई नंबर नहीं ले सकते हो, मतलब a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 में से अब कुछ भी 3 नहीं हो सकता, राइट? इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई a1, a2, a3 ये सारे अलग अलग वैल्यू अज्यूम करेंगे, नाइदर ऑफ a1, a2, a3, राइट, दे कांट बी द सेम. ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट a1 से a8 के सेम हो ही नहीं सकते, बिकॉज उसका तो ये मतलब हो जाएगा दैट दे आर फ्रॉम द सेम कॉलम, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई नो दैट कि भाई माय नंबर्स फ्रॉम a1 टिल a8 आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, राइट? दीज आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8. अब आई नो इसका सम जो होता है, राइट, 1 से लेके 8 का सम आपका विल बी 36. अब हमारा जो सम हमें निकालना था, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 8 × 0 + 8 × 1 + 8 × 2, एंड सो ऑन टिल 8 × 7, और प्लस a1, a2, a3, 8, जो कि आई नो दैट इज नथिंग बट 36. ये आपके आ गया 36. अब यहां से यू कैन टेक 8 कॉमन, तो 8 कॉमन ले लोगे आप तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 टिल 7 प्लस 36. This will become 8 × 28 + 36. This will become 224 + 36. That will be 260. ठीक है, तो आप कोई भी 8 नंबर चूज कर लो, योर सम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी 260 ओनली. ठीक है, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां पे हमें इंट्यूटिवली लगता है कि भाई यूनिक आंसर क्यों आएगा, राइट? मैं बड़ा नंबर ले लूं, मैं छोटा नंबर ले लूं, तो आंसर शुड चेंज, बट इनफैक्ट इट विल नॉट, राइट? आप कुछ भी ट्राई कर लो, आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी 260.
अब एक एक्सरसाइज मैं आप लोग के लिए छोड़ना चाहता हूं, है ना, आप सोचना इसके बारे में और कमेंट बॉक्स में टाइप करें जो भी आपको लगता है सही है या गलत। नाउ कैन आई से माय आंसर इज गोइंग टू बी 1 + 64 / 2 into I am taking 8 numbers, so this will become 65 × 4 and that is also 260. Can I do that? If the answer is Y, right, please give your justification in the comment box. And if your answer is no, then again tell me ke kyun aisa hum nahi kar sakte, hai na? As usual, you are following the Aristotle Olympiad series where we give one amazing question every day, right? I'll see you tomorrow with one more beautiful question. Till then, take care.